और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने पीओके को लेकर भी एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को 400 सीटें मिलेंगी तो पीओके भारत का हो जाएगा और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर भी बनेगा। लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तब हमें सीट देते रहिए और मुगलों ने जितना कारनामा करके किया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। सर आ रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, हर दिन वहाँ एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पटाखा हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह आरोप लगाया है कि ममता बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं और कांग्रेस भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। ममता बनर्जी बंगाल को बनाना चाहती है मुस्लिम राज्य, वो रोहिंग्या के लिए, घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट। आज से दोस्त पिछले चुनाव में इनके मंत्री कहते थे पत्रकारों को, चलिए मिनी पाकिस्तान दिखाता हूँ, यानी बंगाल को भारत का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी और लालू यादव, वो आज कर्नाटक में उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे करके। भविष्य में देश में ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जैसे लोगों को कतई मंजूर नहीं, इसका हम विरोध करेंगे। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बीती रात अचानक से रायबरेली के जिला अस्पताल पहुंच गईं, जहां उन्होंने कांग्रेस के एक घायल समर्थक से मुलाकात की। तस्वीरें रायबरेली के जिला अस्पताल की हैं। अस्पताल के बेड पर पड़े इस शख्स का नाम ज्वालिपा नाई है। ज्वालिप राहुल गांधी की रैली में शामिल होने के लिए रायबरेली के लालगंज गए थे। रैली के बाद राहुल गांधी ने जनसभा की थी जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक शामिल हुए थे। ज्वालिपा भी उस जनसभा में मौजूद थे। राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद जब वो वापस घर लौट रहे थे उसी वक्त रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए। प्रियंका गांधी अमेठी दौरे से देर रात वापस आई, घटना की उन्हें जानकारी मिली और उसके बाद आधी रात को ही प्रियंका घायल समर्थक का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अस्पताल पहुंचकर प्रियंका गांधी ने घायल कांग्रेस समर्थक का हालचाल जाना, उनसे हादसे के बारे में बात की और हिम्मत बढ़ाई। प्रियंका गांधी ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से ज्वालिपा के इलाज के बारे में भी बातचीत की और उसके बाद घायल कांग्रेस समर्थक के साथ मौजूद महिला को भी गले लगाकर सांत्वना दी। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर दिल्ली में संग्राम छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के नेता सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं। केजरीवाल इस्तीफा दो, महिलाओं को ये अपमान। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने वाले विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। महिलाओं की आवाज दबाने का काम जो केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम जब तक इस चीज का विरोध करेंगे जब तक कि पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती। महिला की आवाज को हमारे सीएम साहब दबा रहे हैं, बेल पे है, उसके बावजूद इनकी वो देखिए, आप कहीं भी नहीं जा सकते, किसी डिपार्टमेंट नहीं जा सकते, आपसे कोई बात नहीं कर सकता।
और बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुज्जर भी बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हैं। टीवी 9 संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल खुद आवाज नहीं उठा रहे, आप उनकी आवाज बनकर सामने आ रहे हैं। देखिए, ये स्वाति मालीवाल का मामला नहीं है, ये आम उस महिला के सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री का दायित्व होता है लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना, हर वर्ग को सुरक्षा देना, लेकिन यहाँ उनकी जनप्रतिनिधि एक महिला नेता ही सुरक्षित नहीं है, जो पहले महिला आयोग की अध्यक्ष थी, जिनके ऊपर दायित्व था महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, उनको सुरक्षा देना। वो राज्यसभा की सांसद है, उनके साथ मुख्यमंत्री में आवास में दुर्व्यवहार, इससे बड़ी शर्मनाक घटना। क्या कार्रवाई आप लोग मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं नैतिक आधार पर। ये स्वाति मालीवाल की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली की आम हर उस महिला की लड़ाई है जो आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है केजरीवाल के राज्य में। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि अलका गुजर हमसे बातचीत कर रही थी, जिनका कहना है कि स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना की बात यहाँ पर नहीं है, उन तमाम महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है जो दिल्ली में रहती हैं।